प्रशासन की उदासीनता का आलम वैसे तो पहले भी कई बार देखने को मिल चुका है, लेकिन इस बार इसका शिकार और कोई नहीं बल्कि वाराणसी के कबीर चौरा स्थित मंडलीय अस्पताल में इलाज कराने आने वाले मरीज और उनके परिजन हो रहे हैं। इतनी कड़ाके की ठंड में मंडलीय अस्पताल में इलाज कराने आने वाले मरीज और उनके परिजन को ठंड का शिकार होना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार के आदेश के बाद भी मरीजों के लिए हीटर की व्यवस्था अब तक अस्पताल में नहीं की जा सकी है। यहाँ प्रॉब्लम है सर कि यही रूम में हीटर का व्यवस्था करना चाहिए इन लोगों को, इतनी ठंड है बाहर में, इसी को नहीं प्रोवाइड किया गया है। किसी से भी आप पूछ लीजिए यहाँ पे, नहीं अभी तो फिलहाल कोई आया ही नहीं, ऐसा कोई बात ही नहीं है, कोई भी पूछने के लिए नहीं है। वहीं अस्पताल CMS इस सच से अपना पल्ला झाड़ती हुई नजर आई। उनकी माने तो हर वार्ड में 3 हीटर लगाए गए हैं। जो हम लोग व्यवस्था हमेशा करते हैं उस हिसाब से तो बाहर हम लोग के पीछे अलाव जलाने की व्यवस्था की गई है, जहाँ पर मरीज के साथी लोग रहते हैं शाम रात में, और बाकी समय में वार्ड के अंदर हम लोग ने हीटर और ब्लोअर की व्यवस्था की है। कहीं कहीं पर हीटर लगे हैं, कहीं कहीं ब्लोअर भी लगे हैं, OPD में भी व्यवस्था है। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने सरकारी अस्पतालों में औचक निरीक्षण के दौरान ये सख्त आदेश भी दिए थे कि मरीजों के लिए सरकार काफी संवेदनशील है और इसलिए मरीजों के लिए खास तौर पर हीटर की व्यवस्था ठंड में की जानी चाहिए। लेकिन बावजूद इसके शहर के मंडलीय अस्पताल में प्रशासन द्वारा उदासीनता का आलम चरम पर है। न्यूज़ ब्यूरो।